नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो सेक्शन है वो भी हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है, लेकिन आज का जो IPC नहीं है वो आर्म्स एक्ट है। दोस्तों, 1954 के अंदर इसका एक बार बिल पेश किया गया था, लेकिन कुछ खामियां रह गई थी, तो 1959 के अंदर इसको पास कर दिया गया। 1962 में इम्प्लीमेंट में आ गया था हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए इस एक्ट को 54 ऑफ 1959 कहते हैं, यानी आर्म्स एक्ट 54 ऑफ 1959, ये इसका नाम है एक्ट का। अब इसका जो सेक्शन है जिसमें कार्रवाई होती है, अवैध हथियार रखने में, कट्टर तमंचा पिस्टल हो गई, कोई भी बदमाश लेके घूमता है तो उसमें किस तरह कार्रवाई होती है, कौन सा सेक्शन लगता है और पुलिस की भूमिका क्या रहती है इस FIR को रजिस्टर करने के लिए, और शिकायतकर्ता कौन होता है इसमें, और इसमें कुछ नाजायज चीज़ें भी पुलिस करती है। दोस्तों, अभी एक FIR की कॉपी है मेरे पास, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि वो किस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या स्टोरी होती है, क्या कंप्लेंट कैसे लिखी जाती है और उसका क्या वर्जन है, वो मैं आपको सबको पढ़ के बताऊंगा। जो सेक्शन लगे हुए हैं इसके अंदर 25, 54, 59, यानी 25 सेक्शन हो गया आर्म्स एक्ट का और 54, 59 एक्ट का नाम है। तो ये ना समझे कि 54, 59 भी सेक्शन है, खाली 25 सेक्शन के अंदर ये FIR रजिस्टर है और 54 ऑफ 1959 आर्म्स एक्ट का नाम है जो लिखा जाता है। अब दोस्तों, जो दरखास्त है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ किस तरह कंप्लेंट दी गई है। सेवा में SHO साहब, ये SHO साहब को कंप्लेंट है और कौन दे रहा है, SHO साहब सेक्टर 7 जय हिंद, मैं हैंड कॉन्स्टेबल और ESC सुंदर CT रोहित, गाड़ी नंबर इतना टाटा सुमो, चालक आनंद के साथ क्राइम पड़ताल नियर पुल पर मौजूद हैं कि मुखबिर खास ने मुकालिक होके सूचना दी है कि 2 नौजवान लड़के जिनका नाम राहुल और दीपक है, जिनके पास एक देसी कट्टा है और सीही कोई नहर है उसके पास खड़े हुए हैं, अगर फौरन रेड की जावे तो देसी कट्टे के साथ उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मुखबिर खास की सूचना को सच मानकर मैंने रेडिंग पार्टी तैयार की और मुनासिब हियादतें के साथ सेफ्टी के साथ मौके पर गया। मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि जो लड़के वो खड़े हैं वही राहुल और दीपक हैं। तो मैंने मुखबिर खास की साथ मुलाजिमों को, इमदाद दोनों शख्सों को साथ काबू किया, यानी सब टीम में मिला के उनको मुलजिमों काबू किया और नाम पता पूछने पर उन्होंने जो भी अपना नाम पता बताया और नियम अनुसार तलाशी ली गई, और जब तलाशी ली गई तो जींस की दाहिनी जेब से कट्टा बरामद हुआ देसी, जिसको खोलने पर चेक करने पर जिसकी बट का साइज और MM लंबाई उन्होंने लिखी हुई है, और फिर जो दूसरे की तलाशी ली गई तो उसमें से 2 जिंदा कारतूस पिछ जिन पे 8 MM KF कूदा हुआ था और उनका खाका जो भी पुलिंदा खाका पुलिस ने तैयार किया और फिर कार्रवाई अमल में लाई गई, रिपोर्ट वगैरह तहरीर वगैरह फिर भेजी, बाकी फिर पुलिस कार्रवाई है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि मुखबिर खास ने कंप्लेंट दी थाने के स्टाफ को कि एक दो व्यक्ति खड़े हुए हैं वहाँ पे, उनके पास अवैध हथियार हैं। दोस्तों, इसमें अगर कोई जो कंप्लेंट है वो पुलिस ने दी है, अब पुलिस इसमें अपनी जो ताकत है उसका मिसयूज़ भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कट्टा हो, वो रख भी दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इस सेक्शन के अंदर मिस लूप पॉइंट कहेंगे हम इसको, लूप है थोड़ा सा। लेकिन अगर हम देखें कि जो लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी को गोली मारी जाती है अवैध हथियार के साथ, तो IPC की धारा गोली मारने पर 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर बच जाता है, मर जाता तो 302 हो जाएगी अब इसी बात है, तो उसमें आर्म्स एक्ट भी ऐड किया जाता है। लेकिन उसमें जो कंप्लेंट है वो जो शिकायतकर्ता वो कहता है कि इसने मुझे गोली मारी या कट्टा दिखाया, कट्टा दिखा के धमकाया, तो उसमें
जो आईपीसी का सेक्शन, डराने धमकाने का, एक्सटॉर्शन मांगने का या गोली मारने का, साथ में आर्म्स एक्ट 2554 भी के साथ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन इस एक्ट में, इसमें खाली पुलिस ही कंप्लेनेंट है। ध्यान देने वाली बात जो है, यानी किसी के अगर आपके माल खाना जो होता है पुलिस का, उसमें बहुत सारे कट्टे तमंचे पड़े होते हैं, चाहे तो पुलिस किसी को भी पकड़ा के और मुखबिर खास ने खबर दी लपेट दे उसको। तो इसमें थोड़ा सा अगर कोई आम आदमी कंप्लेंट करे कि उसके पास कट्टा है और वो लेके घूम रहा है, तो उसमें एक कार्रवाई थोड़ी सी जेन्युइन भी लगती है। लेकिन पुलिस इसमें खुद ही कंप्लेनेंट होती है, जो आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करती है। अगर खाली 2554 अगर पुलिस लगाती है, तो उसमें कंप्लेनेंट 90.9% पुलिस ही होती है। दोस्तों, सजा की बात करें तो 3 साल से 7 साल तक की सजा का है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। और बेल की बात करें दोस्तों, तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते वो डिपेंड करता है, बेल हो जाती है इसमें। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी, और फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।